मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली मौजूद हैं। सर, क्या इसे राहत माना जाए परमवीर सिंह के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स, परमवीर सिंह ने जो याचिका दायर करी थी मुंबई हाई कोर्ट में, उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि जब से उन्होंने कंप्लेंट करी है देशमुख जी के खिलाफ, और द देन कमिश्नर पुलिस ने उनको बुला के कहा है कि अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल की जाएंगी। 20 अप्रैल को देशमुख जी के खिलाफ FIR रजिस्टर होती है आफ्टर द CBI प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एंड आफ्टर दैट देर आर अबाउट 5 or 6 FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट मिस्टर परमवीर सिंह, एंड FIRs रजिस्टर्ड विच रिलेट द इंसिडेंट्स रिलेट बैक टू 2015-2016 by persons against whom he has taken action as a police commissioner or in another capacity in the police. So he was saying jo yachika thi wo yahi thi ki dekhiye, aap ek type ka to investigation de rahe hain CBI ko, jab main kehta hu ki mere ko is complaint ke karan victimize kiya ja raha hai aur mere ke khilaf complaints ki jayengi jo galat hongi, to wo to sara CBI dekhegi na. Ab aise kaise ho sakta ki aadha to dekhegi CBI aur aadha dekhegi state police of Maharashtra, तो कहाँ इंसाफ की उनको उम्मीद है उससे। सो ये याचिका मुंबई हाईकोर्ट ने डिसमिस करी ये कह के कि उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, और क्योंकि ये सर्विस मैटर है, और हमारा ये कहना था कि ये सर्विस मैटर के स्फीयर में नहीं आता, ये कैटेगरिकली एक इशू है जो हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ही रिलीफ दे सकती है कि ये मैटर सारे के सारे लॉक स्टॉक एंड बैरल CBI में दिए जाएँ, क्योंकि दोनों लोगों की पोजीशंस इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो परमवीर सिंह हैं या श्री देशमुख जी हैं या स्टेट गवर्नमेंट है जो उनको हेल्प कर रही है, तो क्यों ना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास जाएं। स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, दे शुड बी ओनली यू नो कंसर्न विद अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। सो आज हमारी सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने एक तो नोटिस किया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को और CBI को, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो परमवीर सिंह हैं उनकी अरेस्ट नहीं होगी, और अगली मामले की जो तारीख है वो 6 दिसंबर लगाई। सर, क्या ये भी आप लोगों ने याचिका में कहा है कि जान का खतरा है परमवीर सिंह को, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे? यस, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इंटरेक्शन हुआ था उनसे, और हमारा भी हुआ था, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्लान किया जा रहा है, उनकी अपनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि हिज लाइफ इज इन एमिनेंट डेंजर, एंड दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। अभी परमवीर सिंह विदेश जा चुके हैं या भारत में ही हैं? उन्होंने जो हमें बताया उसके हिसाब से वो देश में ही है, और किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे पेश होने के लिए तैयार है, उनको जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि 48 घंटे के अंदर वो जांच में शामिल हों, तो क्या वो जांच में शामिल होंगे या CBI के सामने, या आप जैसे कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने ही आएंगे वो? देखिए, 48 घंटे का कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है, वो हमारी तरफ से कहा गया था कि हम 48 घंटे में जिस भी कोर्ट में अगर कोर्ट चाहेगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। अभी ऑर्डर की कॉपी भी कम्प्लीटली नहीं आई है, लेकिन जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके हिसाब से अरेस्ट स्टे करी गई है, और उनको मौका दिया गया है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी अरेस्ट नहीं होगी। तो क्या वो CBI के सामने ही पेश होंगे या कोर्ट के सामने आ सकते हैं, मुंबई पुलिस के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। अभी मेरे को इसकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि उनको थोड़ी सी राहत मिली है? हाँ, इनफ प्रोटेक्शन, अगर अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिली है तो दैट्स वेरी मेजर ब्रेक थ्रू फ्रॉम हिम। एंड अभी जो अगली सुनवाई है 6 दिसंबर की, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और CBI अपना रिप्लाई फाइल करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कहने के लिए कि इंडिपेंडेंट प्रोब कीजिए, प्रोब से कोई नहीं डरता, लेकिन इंडिपेंडेंट कीजिए और इम्पार्शियल कीजिए। तो इंडिपेंडेंट जांच हो इसके लिए परमवीर सिंह तैयार हैं, हालांकि वो क्या मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं, इस पर उनके वकील कह रहे हैं कि उनको परमवीर सिंह के द्वारा अभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।